Happy winter vacations and a very very happy new year to all of you. Welcome back in Keep Up With Ashad. आज मैं आपको कराची के सबसे क्यूटेस्ट कैफे और रेस्टोरेंट लेके जा रहा हूँ जो कि कोयला चाय के नाम से फेमस है. So without any delay, let me take you to this beautiful restaurant located near Bilawal Charangi. First impression ही इतना जबरदस्त है कि आपको देखकर यूं लगेगा कि शायद आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि किसी डिज्नी प्रिंसेस के कासल में एंटर हो रहे हैं. बाहर से ही डेकोरेशंस बहुत खूबसूरत हैं और अंदर आते के साथ ही आपको सबसे पहले वेलकम करता है ये क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉस. यहाँ पर आने की मल्टीपल वजूहात थी जिनमें से एक मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. यहाँ पर आने की सबसे पहली वजह तो ये थी कि यहाँ पर बनाई गई है कराची की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंडी शॉप और उसकी वजह कैंडीज नहीं बल्कि उसके अरेंजमेंट्स और उसकी पिक्चर्स हैं जो हम कई दिन से सोशल मीडिया पे देख रहे थे. आई एम गोना टेक यू टू दैट कैंडी शॉप बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्रिसमस अरेंजमेंट्स व्हिच आर एब्सोल्युटली वंडरफुल. अगर मैं इस रेस्टोरेंट को कराची का मिनी विंटरलैंड कहूँ तो गलत नहीं होगा. दुनिया भर में न्यू ईयर के मौके पे विंटर्स में विंटर वंडरलैंड लगाए जाते हैं और कुछ उसी तरह की थीम इन्होंने भी फॉलो की है. इट वॉज इक्वली अपीलिंग फॉर बोथ एडल्ट्स एंड किड्स. नाउ आई एम गोना टेक यू टू द फर्स्ट फ्लोर वेयर द कैंडी शॉप इज लोकेटेड और कैंडी शॉप तक पहुंचने का रास्ता भी किसी फेरी टेल से कम नहीं है. इन खूबसूरत स्टेयर से होते हुए आप कैंडी शॉप तक पहुंचते हैं. सो ऑन द फर्स्ट फ्लोर देयर आर टू कैंडी शॉप्स. वन इज एट द राइट साइड एंड द अदर वन इज एट द लेफ्ट साइड. ये वाली जो कैंडी शॉप है यहाँ पे आपको तमाम फेमस चॉकलेट्स मिल जाएंगी एंड दे आर शेल्फ्ड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर. इनफैक्ट यहाँ पे आपको डोरिटोस और कुछ और स्नैक्स भी मिल जाएंगे मगर असल कैंडी शॉप है लेफ्ट साइड पे लोकेटेड विच इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड और यहाँ पर आकर आपको दिल करेगा कि शायद आप कुछ घंटों के लिए यहीं खो जाएं और हर शेल्फ में से कोई ना कोई कैंडी पिक करके खाएं. So this is the look of this restaurant from the balcony of first floor. यहाँ पे एक पूल भी बना हुआ है जो कि अक्सर लोग बर्थडे पार्टीज के लिए भी बुक करते हैं क्योंकि पूल साइड पे बर्थडे डेकोरेशंस बहुत अच्छी लगती हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इनका ये मेन डाइनिंग हॉल बना हुआ है विच इज एक्चुअली यूज फॉर सर्विंग ब्रेकफास्ट एंड लंच स्पेशली ऑन वीकेंड्स क्योंकि समर के टाइम पे इतनी गर्मी होती है कि ऊपर बैठना पॉसिबल नहीं होता. यहाँ पे हम पहले भी ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं बट इट वॉज नॉट एज ब्यूटिफुल एज इट इज नाउ क्योंकि रिसेंटली इन्होंने इस पूरे रेस्टोरेंट को रीवैम्प किया है. अब आपको लेके चलते हैं इस रेस्टोरेंट के सबसे खूबसूरत रूम में जिसको देखकर यूं लगता है कि शायद इसको सिर्फ पार्टीज के लिए ही डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स. सो इफ यू आर फैसिनेटेड विद द डिज्नी प्रिंसेस एंड बारबी थीम देन दिस कैन बी अ प्लेस फॉर अ स्मॉल बर्थडे पार्टी और फॉर ब्राइडल शावर्स एज वेल. तो ये है जनाब कोयला चाय का फेमस रूफटॉप जो कि लोकेशन के एतबार से अगर कराची का सबसे अच्छा चाय कैफे कहलाया जाए तो गलत नहीं होगा. इट इज़ सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ क्लिफ्टन जहाँ से एक तरफ आपको कॉम 3 दिखाई देता है तो एक तरफ बारबेक्यू टुनाइट और दूसरी तरफ आपको बैरिया आइकन टावर दिखता है. यहाँ पे लाइट से म्यूजिक के साथ आपको अच्छी सी कड़क चाय के साथ पराठे मिल जाएं तो क्या ही बात है. एंड नाउ द सस्पेंस इज ओवर. सो दिस वाज एक्चुअली द रीजन We visited the Koyla Chai restaurant. So, चलिए आपको दिखाते हैं कराची की पहली स्नोफॉल. तो क्या हुआ कराची में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती और ना ही कभी बर्फबारी होती है. हम नेचुरली ना सही मगर आर्टिफिशियली इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए तो एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन. बचपन में आपकी कुछ विश लिस्ट होती हैं और उन विश लिस्ट में से एक ये विश भी थी कि कभी न्यू ईयर के टाइम पे हम इस तरह इस खूबसूरत एनवायरनमेंट में बर्फबारी एक्सपीरियंस करें.
wish you all a very, very happy new year once again. With this, it's a wrap. This is actually the last vlog from 2022. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then subscribe it now. You can also follow me on Instagram. Keep up with Ashad. Till then, take care of yourself. I'll see you guys in 2023. Wish you a great year ahead. Goodbye and Allah Hafiz.